लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मोहित एंड राजा कार रिव्यूज। अब वैसे तो इस चैनल के ऊपर हम कार रिव्यूज के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, लेकिन आज हम आपको देने वाले हैं मोहित राजा कार डील्स की इन्वेंट्री का एक फुल टूर, जिसके अंदर हम सब कार्स की आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, कार्स कितनी चली हुई हैं, क्या डिटेल्स हैं कार्स की। तो अगर आपको किसी भी कार के अंदर इंटरेस्ट हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं या डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिटेल्स से हमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू आई थिंक इसी के साथ करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहली जो हमारे पास कार है इन्वेंट्री के अंदर वो है 2011 लैंड रोवर रेंज रोवर ऑटो बायोग्राफी, अ वेरी वेरी प्रिस्टीन कार। लैंड रोवर रेंज रोवर की ऑब्वियसली हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस रहती है एंड इन कार्स की बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट वैल्यू है एंड काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। बट मोहित राजा कार डील्स पर ये 2011 मॉडल रेंज रोवर ऑटो बायोग्राफी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपीज़ में, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड डील। जितनी भी हम गाड़ियों की बात करेंगे उसके अंदर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि सारी कार्स के ऊपर आपको कुछ फैसिलिटीज़ है जो मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्विसिंग ऑफ द कार मोहित राजा कार डील्स आपको बहुत जेन्युइन रेट पे करके देते हैं। इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल एट मोहित राजा कार डील्स एंड यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर द कार टू एनी स्टेट इन इंडिया। तो ये जो चीज़ें ये सारी कार्स के अंदर कॉमन रहने वाली है जितनी भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन रही बात इस 2011 लैंड रोवर ऑटो बायोग्राफी की, तो सबसे पहले एक छोटे से टूर की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है आपको इस कार के अंदर, ब्लैक कलर है, बहुत ज़्यादा सुंदर एंड प्रिस्टीन कंडीशन में मिलती है। अंदर की तरफ अगर हम चलें इस कार के अंदर तो ये कार जो है चली हुई है 35,942, विच आई थिंक इज़ नॉट ज़्यादा एंड इन द प्राइस टैग ऑफ 35 लाख रुपीज़ इट इज़ वेरी वेरी नाइस। बट अगर आप इंटीरियर के अंदर एक बार देखें तो आप देख सकते हैं टैन ब्राउन इंटीरियर विद ब्लैक इंसर्ट्स एवरीवेयर, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है एंड हर एक चीज़ की क्वालिटी टॉप नॉच है। आपको किसी भी कार के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी एट दिस प्राइस पॉइंट नहीं मिलने वाली। सो दिस इज द फर्स्ट कार इन द इन्वेंट्री, चलते हैं अगली कार की तरफ एंड देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट अब हमारी इन्वेंट्री में हमारे पास आती है 2013 वाइट ऑडी Q5, प्रिस्टीन कंडीशन वंस अगेन आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर वाइट कलर है, कोई भी आपको मार्क ऐसा वैसा देखने को नहीं मिलेगा कार के अंदर, इवन इन द इंटीरियर जो कि हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं, दैट टू इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब एक नए ऑडी Q5 का क्या प्राइस है वो आपको नीचे अपने स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, लेकिन मोहित राजा कार डील्स पर आपको ये 2013 मॉडल विच इज़ नॉट टू ओल्ड मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 20.5 लाख रुपीज़, विच आई थिंक इज़ एन एब्सोल्यूट स्टील डील। लेकिन ओवरऑल अगर हम गाड़ी की बात करें, क्रोम गार्निशेज विद द वाइट बहुत सुंदर लगता है, अंदर अगर देखें प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है विद द सराउंडिंग DRLs जो Q5 का एक बहुत ज़्यादा अपीलिंग चीज़ रही है हमेशा से। अगर हम एलॉय व्हील्स की बात करें, काफ़ी क्लासी लुकिंग एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं इस कार के अंदर एंड दिस बीइंग द टॉप एंड वेरियंट आई थिंक यू विल हैव एवरी सिंगल फीचर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक लग्जरी कार से। एनीवेज अगर हम कार के अंदर चलें तो आप अंदर में भी देख सकते हैं इस कार का जो क्रीम इंटीरियर है वो वाइट एक्सेंट के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ओवरऑल ये गाड़ी चली हुई है 62,307 किलोमीटर्स, वंस अगेन फॉर अ 2013 वेरिएंट नॉट टू बैड। सो ये था ऑडी Q5 के बारे में, ये हमारी सेकंड कार है हमारी इन्वेंट्री के अंदर। वंस अगेन अगर आपको एक ऑडी Q5 का एक डिटेल रिव्यू देखना हो तो क्योंकि हमारा मोहित राजा कार डील्स चैनल रिव्यूज़ के अंदर स्पेशलाइज करता है, हमने इस कार का मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस कार लेकिन एक Q5 का हमने इसी वेरियंट के अंदर रिव्यू कर रखा है अपने चैनल के अंदर, तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो हमने ऑटोबायोग्राफी स्टार्टिंग में करी थी उसका भी हम नीचे एक लिंक डाल देंगे, तो अगर आपको एक डिटेल रिव्यू देखना हो इन दोनों कार्स का तो वो आप देख जरूर सकते हैं। बट एनीवेज चलते हैं अब नेक्स्ट कार की तरफ। द थर्ड कार इन आर इन्वेंट्री इन द SUV फॉर्मेट इज़ द BMW X5 2015 मॉडल, वंस अगेन ब्रांड न्यू X5 का प्राइस आपको नीचे अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट मोहित राजा कार डील्स पर आपको ये कार मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपीज़ पे। एंड लाइक आई सेड जो हमने आपको सर्विसेज स्टार्टिंग में बताई थी वो सब तो इसके अंदर है ही, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया एंड सर्विसिंग ऑफ द कार इवन आफ्टर यू बाय द कार। अगर हम इस कार के आउटलुक की बात करें तो ब्लैक ओवरऑल्स, वंस अगेन रिव्यू हमने इस चैनल के ऊपर पहले से कर रखा है, तो अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसका लिंक हमने दिया हुआ है। बट स्टिल थोड़े बहुत चीज़ें बताने के लिए हमारे पास वंस अगेन प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है विद द BMW अडैप्टिव LED जो कि BMW फॉर्मेट में 2015 में वॉज वन ऑफ द बेस्ट लाइटिंग सेगमेंट्स इन द इंडस्ट्री, तो वो हेडलैम्प्स आपको इस कार में देखने को मिलेंगे। एलॉय व्हील्स बहुत ज़्यादा स्पोर्टी एंड गुड लुकिंग डिज़ाइन के साथ आते हैं। एंड अगर हम चलें इस कार के इंटीरियर के तरफ तो आप देख सकते हैं कि इवन द इंटीरियर इन दिस कार विद द ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर लुक्स वेरी वेरी नाइस। इस कार के अंदर आपको 70 mats भी इंस्टॉल्ड मिलते हैं विच इज़ समथिंग द प्रीवियस ओनर ऑफ द कार डिड,
सो आई थिंक ये एक प्लस पॉइंट है इस कार का. बट ओवरऑल कार की कंडीशन इज एक्चुअली वेरी नाइस. बट अगर हम ये देखें कि ये कार एक्चुअली चली कितनी हुई है, तो ये कार चली हुई है 64,082 किलोमीटर्स. वंस अगेन 2015 मॉडल के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड BMW जर्मन इंजीनियरिंग के अंडर आती है. जर्मन इंजीनियरिंग इज़ सो गुड कि गाड़ी आप 2-3 लाख किलोमीटर भी चला लें, सीरियसली कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती अगर आपने अपनी कार को अच्छे से संभाल के रखा हुआ है तो. एंड दिस इज़ नॉट ओवर एग्जैजरेशन, सही में मैंने खुद ऐसी कार देखी हुई हैं जो इतनी ज़्यादा किलोमीटर्स चल जाती है. तो 64,000 किलोमीटर्स उस मामले में इज़ एक्चुअली पीनट्स. नेक्स्ट आप हमारे पास आती है 2018 इनोवा क्रिस्टा. दिस इज़ द वी मॉडल. अब इस कार के अंदर वंस अगेन आपको वाइट एक्सटीरियर मिलता है, कम्प्लीटली प्रिस्टीन कंडीशन कार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर. यू विल फाइंड दिस कार टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग. कोई भी आपको एक्सटीरियर वाइज पेंट डेंट्स नहीं मिलेंगे, आपको पेंट प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी. 3 साल पुरानी गाड़ी है, मतलब व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट. प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलते हैं एंड फॉग लाइट्स के साथ आती है. वेरी गुड लुकिंग अलॉय व्हील्स एज वेल. एंड वंस अगेन अगर आपको एक डिटेल रिव्यू देखना हो तो हमने इस कार का एक डिटेल रिव्यू कर रखा है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हैं. बाकी अगर हम इंटीरियर की तरफ चले इस कार के अंदर, तो इंटीरियर के अंदर आपको इस कार के अंदर कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर मिलता है. इस कार के प्रीवियस ओनर ने इसके अंदर 70 मैट्स एंड आपको एक टैन इंटीरियर लेदर सीट्स इंस्टॉल कर रखी हैं, विच इज़ अ ग्रेट प्लस पॉइंट फॉर द कार. अगर हम ओडोमीटर की बात करें तो ये कार 51,902 किलोमीटर्स चली हुई है, विच इज़ वंस अगेन इनोवा और टोयोटा ब्रांड के हिसाब से विच इज़ नॉट एट ऑल ज़्यादा. टोयोटा की कार्स काफ़ी ज़्यादा चल जाती हैं इससे ज़्यादा, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये कार की कंडीशन काफ़ी अच्छी है. नेक्स्ट आप आती है वन ऑफ माई फेवरेट कार्स जो कि है पोर्शा कायन. 2013 वेरियंट, ब्लू नेवी ब्लू कलर के अंदर आती है. लुक्स एब्सोल्यूटली गॉर्जियस एंड हैज़ अ वेरी वेरी गुड इंटीरियर एंड इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एक ब्रांड न्यू अगर कायन आप देखने जाएंगे तो दैट इज़ अराउंड 1 crore 10 lakh समथिंग लाइक दैट. काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, लेकिन मोहित अनाजा कार डील्स पर आपको ये कार 2013 मॉडल इन अ वेरी गुड कंडीशन यू आर गेटिंग इट एट 32.5 lakh रुपीज़, विच आई थिंक वंस अगेन इज़ अ बार्गेन ऑफ अ डील. अगेन अगर आपको एक डिटेल रिव्यू देखना हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हुई है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू सा देने के लिए, तो कायन की लुक जो है वो हमेशा से बहुत सुंदर रही है. दिस टीयर ड्रॉप स्टाइल हेडलैम्प हमें मिलता है इस कार के अंदर. इस कार के फॉग लैम्प्स और इंडिकेटर हमें यहाँ नीचे दिए गए हैं. लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस कार पोर्शा है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड ये रोड के ऊपर चलते हुए भी आपको इस कार की जो रोड प्रेजेंस है दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. लाइक रोड पर चलते हुए आपके कम जितने भी लोग आपको देखेंगे, दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू टर्न देयर हेड्स टू सी कि कौन सी कार आने वाली है, एंड दैट इज़ द रोड प्रेजेंस ऑफ अ पोर्शा कायन. बट एनीवेज अगर हम इंटीरियर के अंदर चलें इस कार के अंदर, इस कार का क्रीम ब्राउन इंटीरियर इस कार के नेवी ब्लू एक्सटीरियर के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है एंड पोर्शा का इंटीरियर इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस हमेशा से. इस कार में भी आपको वो अच्छे से दिख गया होगा, दिस कार इंटीरियर एब्सोल्युटली रॉक्स, बहुत ज़्यादा सुंदर है. एंड इस कार की अगर हम ओडोमीटर की बात करें, चली ही हुई है 58,370 किलोमीटर्स. एंड आई नो मैं बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन पोर्शा जर्मन इंजीनियरिंग एंड फॉर देम 58,000 किलोमीटर्स इज सीरियसली नथिंग. सो दैट अगेन गिव्स यू अ ग्लिम्प्स ऑफ द कंडीशन ऑफ दिस कार. एंड नाउ नेक्स्ट अप एसयूवी रेंज के अंदर हमारे पास आती है एक 2010 लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट. दिस कार हैज़ अ V8 इंजन विच इज़ क्वाइट रेयर. आपको ये V8 इंजन वाली कार्स अब देखने को थोड़ी कम मिलती हैं, लेकिन V8 इंजन होने की वजह से दिस कार हैज़ एम्पल पावर, बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फास्ट ऑन द रोड एज़ वेल. इस कार लैंड रोवर है ऑब्वियसली, तो इस कार की मतलब वही है, रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होने वाली है एंड इस कार का जो प्राइस है वो भी काफ़ी जेन्युइन है. ये कार मोहित अनाजा कार डील्स पर आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 23.5 lakh रुपीज़ पे. एंड अगर आप नई वाली स्पोर्ट का देखेंगे, नहीं ग्रांटेड दिस इज़ अ 2010 मॉडल ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी एक नई से अगर आप उसको कंपेयर करें, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है. एंड रिगार्डिंग टू दैट, इस कार का ये जो प्राइस है इट इज़ अ कंप्लीट बार्गेन एंड इस कार का 23.5 lakh रुपीज़ जो प्राइस है इवन फॉर द 2010 मॉडल, वो इसीलिए है क्योंकि लैंड रोवर रेंज रोवर्स अपने प्राइसेस को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखते हैं. इन कार्स की रीसेल वैल्यू इज़ रियली नाइस. बाकी अगर हम कार के इंटीरियर की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं इस कार का जो ऑल ब्लैक एक्सटीरियर के साथ जो हमें ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है विद द रेड इंसर्ट्स, इस कार को एक बहुत ज़्यादा स्पोर्टी वाइब देते हैं. एंड इस कार के अंदर जो आपको सेंटर कंसोल की तरफ आपको जो सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं वो भी इस कार को एक काफ़ी रिच वाइब देते हैं. अगर हम ओडोमीटर की बात करें तो ये कार जो है 57,480 चली हुई है, तो फॉर अ 2010 की कार वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है.
नेक्स्ट अप हमारे पास आती है एक 2016 लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक, वन ऑफ द न्यूअर कार्स इन आर इन्वेंटरी. एंड इवोक मेरे हिसाब से, लाइक मेरे पर्सनल ओपिनियन में, तो मेरे को सबसे बेस्ट लैंड रोवर लगती है, बिकॉज इस कार के अंदर वही स्पोर्टी वाइब भी आ जाती है, लेकिन लैंड रोवर होने की वजह से वो रोड प्रेजेंस और वो पावर, वो कम्फर्ट, सब कुछ इवोक के अंदर आपको मिलता है. इवोक इज़ लाइक काइंड ऑफ अ कम्प्लीट डील. तो नई जो इवोक है वो आपको राउंड अबाउट पड़ती है 60-70 लाख के आसपास. एग्जैक्ट प्राइस आपको वन सेकेंड नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा. लेकिन ये जो कार है आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 34.5 लाख रुपीज़, विच आई थिंक इज़ वंस अगेन अ बार्गेन डील, क्योंकि इस कार की कंडीशन एक्चुअली में बहुत अच्छी है. इफ़ यू कम टू द शोरूम ये गाड़ी को देखने के लिए, आपको एक्चुअली में पता चलेगा हाउ गुड द कंडीशन ऑफ दिस कार इज़. वंस अगेन रिव्यू हमने इस कार का एक डिटेल रिव्यू कर रखा है, वो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दिख जाएगी. लेकिन अगर हम इस कार के इंटीरियर में चलें अभी, तो आप देख सकते हैं इस कार का इंटीरियर आपको न्यू जन लैंड रोवर के हिसाब से मिलता है, क्योंकि 2016 वेरिएंट है. एंड द इंटीरियर लुक्स वेरी नाइस, नेवी ब्लू के साथ जो आपको ये क्रीम इंटीरियर मिलता है, इट लुक्स क्वाइट नाइस. एंड इस कार के ओडोमीटर की अगर हम बात करें, तो ये कार 87,000 किलोमीटर्स के हिसाब से चली हुई है. बट अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, तो इस कार के प्रीवियस ओनर ने इस कार के अंदर 70 मैथ्स भी इंस्टॉल कर रखे हैं. तो दिस इज़ अ स्मॉल प्लस पॉइंट फॉर द बायर हु बाइज दिस कार. नेक्स्ट अब हमारे पास आती है एक और Porsche Cayenne. टू रिपीट द सेम स्टोरी जो हमने पिछले वाले में बताई थी, इस कार के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि ये कार वाइट एक्सटीरियर के साथ आते हैं. इंटीरियर भी इस कार का बिल्कुल सेम क्रीम ही मिलता है आपको, सिर्फ और सिर्फ बाहर एक्सटीरियर में आपको डिफरेंसेस मिलते हैं, जो कि है इस कार में वाइट कलर. एंड इस कार की जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी थोड़े और स्पोर्टी डिज़ाइन में मिलते हैं. दिस इज़ द ओनली टू डिफरेंसेज दैट यू हैव इन दैट कार इन दिस कार. ये जो कार है वन सेकेंड 2013 मॉडल ही है. एंड इस कार का जो प्राइस है वो है 33.5 लाख रुपीज़. चलते हैं अब इस कार के इंटीरियर के अंदर. सो अगेन इंटीरियर अगर आप देखें, वही सेम क्रीम इंटीरियर आपको इस कार में भी मिलता है. एंड वही सेम एग्जैक्ट चीज़ें हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो कार है वो 67,700 किलोमीटर्स के आसपास चली हुई है. नेक्स्ट कार जो हमारे पास एसयूवी सेगमेंट में आती है, वंस अगेन एक लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक ही है. लेकिन ये जो है 2012 वेरिएंट है, वो 2016 था, ये 2012 वेरिएंट है. इस कार के अंदर आपको रेड एक्सटीरियर मिलता है एंड ब्लैक एक्सेंट्स मिलते हैं. उस कार के अंदर आपको नेवी ब्लू एंड क्रीम इंटीरियर मिलता है. इस कार के अंदर रेड एंड ब्लैक इंटीरियर जो है इस कार में मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इस कार को थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्पोर्टी वाइब मिलती है. बट अगर हम प्राइस की बात करें, ये जो कार है 26.5 लाख रुपीज़ का सेलिंग प्राइस है यहाँ मोहित अनाजा कार डील्स पर. एंड अगर हम इंटीरियर में चलें, तो इस कार की जो ओडोमीटर रीडिंग है वो है 63,000 किलोमीटर्स के अराउंड, विच आई थिंक फॉर 2012 वेरिएंट इज एब्सोल्युटली एडमिसिबल. एंड सो यही था हमारी एसयूवी इन्वेंट्री का एक छोटा सा टूर, जिसके अंदर हमने आपको जितनी बार हमारे पास एसयूवीज अभी इन्वेंट्री में है उनके बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है. अगर आपको इन सब कार्स में जो भी हमने आज आपको वीडियो में दिखाई है उनका एक डिटेल रिव्यू चाहिए हो, तो हमने उन सबका डिटेल रिव्यू कर रखा है. एंड उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दिख जाएगी. एंड अगेन अगर आपको किसी भी कार के अंदर इंटरेस्ट हो, चाहे वो एसयूवी हो, सेडान हो, हैचबैक हो, किसी भी कार के अंदर आपको इंटरेस्ट हो यूज कार मार्केट के अंदर, मोहित अनाजा कार डील्स को आप कॉन्टैक्ट जरूर करें, कमेंट्स में बताएं या फिर हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट करें. यही था इस वीडियो में गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू.